हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल नोट बुक। फ्रेंड्स, इस वीडियो पे हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्लीपर डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो पे हम लोगों ने देखा था एक रेलवे ट्रैक की क्रॉस सेक्शन किस तरीके का होता है, रेल क्या होता है, स्लीपर क्या होता है, फॉर्मेशन क्या होता है, बैलास्ट क्या होता है, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग डिटेल पे डिस्कस किया था उस वीडियो पे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ऊपर मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, उस वीडियो को आप जाके पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तभी आप लोग को समझने में आसानी होगा। ओके, सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की टॉपिक की ओर, स्लीपर डेंसिटी। ओके दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये क्या है दोस्तों, रेल। इसके ऊपर से आपका ट्रेन का व्हील गुजरता है, ये एक रेल है और यहां पर और एक रेल है। ओके, और ये क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों स्लीपर। ये वुड से बना हुआ हो सकता है, कंक्रीट से बना हुआ हो सकता है, कास्ट आयरन, स्टील, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ हो सकता है। तो ये है क्या है दोस्तों, स्लीपर। ओके, अब ये है फ्रेंड्स एक रेल लेंथ। ये क्या है दोस्तों, एक रेल लेंथ, रेल लेंथ। ओके, सो एक रेल लेंथ हो गया, और इसके बाद देखिए फिर से यहां पर हम लोग और एक रेल लगाएंगे और यहां पर हम लोग कनेक्शन करेंगे, फिर से हम लोग और एक रेल लगाएंगे और यहां पर कनेक्शन करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग रेल नेटवर्क बनाते हैं। ओके, अब एक रेल लेंथ पे जितना आपका स्लीपर होगा उसको हम लोग कहते हैं स्लीपर डेंसिटी। ओके, और फ्रेंड्स देखिए यहां पर एक रेल लेंथ पे एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच स्लीपर है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूं। ओके, एक रेल लेंथ पे पांच स्लीपर है तो इसका स्लीपर डेंसिटी कितना हो जाएगा, 5। ओके, सो इनको मैं क्लियर कर देता हूं। सो फ्रेंड्स देखिए स्लीपर डेंसिटी क्या होता है, स्लीपर डेंसिटी इज द नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल लेंथ। ओके, एक रेल लेंथ पे जितना आपका स्लीपर होगा इसको हम लोग कहेंगे स्लीपर डेंसिटी। ओके, अब फ्रेंड्स देखिए जो स्लीपर डेंसिटी होता है इसको हम लोग स्पेसिफाई किस तरीके से करते हैं, एम प्लस एक्स। ओके, एम प्लस एक्स, इसको हम लोग एन प्लस एक्स से भी हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। और यहां पर एम जो है, एम क्या है दोस्तों, लेंथ ऑफ ए रेल इन मीटर। ओके, सो एक रेल की जो लेंथ होगा मीटर पे उसको हम लोग कहेंगे क्या दोस्तों, एम। ओके, और इसके बाद है दोस्तों एक्स। एक्स क्या है दोस्तों, एक्स एक इंटीजर है जिसका वैल्यू 3 से लेके 7 तक हो सकता है इंडियन रेलवे के केस में। ओके, इसका जो वैल्यू है ये 3 से लेके 7 तक हो सकता है। ओके, अब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक्सेल लोड एंड स्पीड। एक्सेल लोड एंड स्पीड, उस ट्रैक के ऊपर एवरेज स्पीड कितना है ट्रेन की, तो इन सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा, नेचर ऑफ फॉर्मेशन। ओके, फॉर्मेशन किस नेचर की है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, टाइप एंड स्ट्रेंथ ऑफ द स्लीपर, किस टाइप की स्लीपर हम लोग यूज कर रहे हैं उसका स्ट्रेंथ कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। फिर टाइप एंड सेक्शन ऑफ रेल, जो रेल सेक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, फ्लैट फुटेड है, डबल हेडेड है, बुल हेडेड है, किस तरीके का सेक्शन है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। फिर देखिए टाइप ऑफ बैलास्ट एंड बैलास्ट कुशन, बैलास्ट किस तरीके का है, बैलास्ट कुशन किस तरीके का है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। दोस्तों बैलास्ट की जो मटेरियल होता है ये हो सकता है क्रश स्टोन, हो सकता है ग्रेवल, सैंड, ब्रिक बेड एटसेट्रा, बहुत सारा हो सकता है। ओके, तो इनके ऊपर भी डिपेंड करेगा ये जो एक्स का वैल्यू है कितना होगा। ओके, स्लीपर डेंसिटी नॉर्मली वेरीज फ्रॉम एम प्लस 2 टू एम प्लस 7 इन इंडिया। ओके, तो इसके अंदर वेरी करता है इंडिया पे। अब देखिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, मान लीजिए एक रेल लेंथ है 13 मीटर। ओके, सो स्लीपर डेंसिटी हम लोग ले लेते हैं एम प्लस 3, तो एक रेल लेंथ पे कितना स्लीपर आएगा, 13 प्लस 3। ओके, आ जाएगा 16। या फिर देखिए मान लेते हैं m प्लस 7 इस तरीके से काम हो रहा है, सो फ्रेंड्स 13 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 20। सो एक रेल लेंथ पे आपका 20 स्लीपर आएगा, तो ये हो गया आपका स्लीपर डेंसिटी। अब फ्रेंड्स हम लोग एक क्वेश्चन देख लेंगे। ओके, तो ये एग्जाम में पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए यहां पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया है। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक If sleeper density is n plus 4 for the broad gauge and the length of one rail for a broad gauge is 13 meter. Okay, तो यहां पर हम लोगों को कैलकुलेट करना है 1 किलोमीटर ट्रैक बनाने के लिए कितना स्लीपर हम लोग को चाहिए। ओके, सो फ्रेंड्स देखिए रेलवे हम लोगों को कितना बनाना है, रेलवे
लेंथ ये कितना होगा, ये मैं ले लेता हूं इक्वल टू 1 × 1000, सो 1000 मीटर। ओके सो इतना रेलवे लेंथ हम लोग को बनाना है। अब स्लीपर डेंसिटी हम लोग को निकालना है, स्लीपर डेंसिटी। ओके अब दोस्तों स्लीपर डेंसिटी कितना होगा, स्लीपर डेंसिटी होगा देखिए एक रेल लेंथ, यहां पर ब्रॉड गेज के लिए एक रेल लेंथ है 13 मीटर, सो यहां पर मैं 13 लूंगा प्लस एन प्लस 4 से काम हो रहा है, सो यहां पर मैं 4 ले लूंगा, इक्वल टू दे दूंगा, सो 70। ओके सो स्लीपर डेंसिटी कितना है 17, एक रेल लेंथ पे 17 नंबर्स ऑफ स्लीपर है। ओके सो यहां पर 13 मीटर है एक रेल का लेंथ, सो इस तरीके की कितना लेंथ आएगा एक किलोमीटर पे, सो नंबर ऑफ रेल इन 1 किलोमीटर ट्रैक। सो यहां पर क्या आ जाएगा इक्वल टू 1000/13। सो देखिए 1 किलोमीटर ट्रैक पे 76.9231, ओके सो अप्रोक्सीमेटली यहां पर आप देख पा रहे हैं 76.92 रेलवे ट्रैक लगेगा। ओके सो स्लीपर कितना लगेगा इसमें नंबर, सो यहां पर मैं लिख देता हूं टोटल नंबर ऑफ स्लीपर, ये कितना लग जाएगा इक्वल टू, देखिए इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, मल्टीप्लीकेशन साइन दूंगा, स्लीपर डेंसिटी, सो यहां पर कितना आ जाएगा 1307.69, इसको मैं अप्रोक्सीमेट कर लेता हूं। सो फ्रेंड्स यहां पर 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 1308 ओके इतना स्लीपर आपका लग जाएगा। ओके सो यहां पर देखिए स्लीपर डेंसिटी जो था यहां पर 4 लिया है, मान लीजिए यहां पर हम लोग एन प्लस 7 ले रहे हैं, सो यहां पर मैं जस्ट 7 कर दूंगा और एंटर कर दूंगा, तो देखिए कितना लगेगा 1538। और यहां पर मान लीजिए मैं ले रहा हूं एन प्लस 3 का फॉर्मूला, 3 कर देता हूं, सो यहां पर कितना लगेगा 1231 स्लीपर। ओके तो इस तरीके से हम लोग 1 किलोमीटर रेल नेटवर्क बनाने के लिए कितना स्लीपर लगेगा यहां पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब बहुत ही कम कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।